तो चलिए बात करते हैं राशि नंबर 10 मकर यानी कि खेफ्री खोर्न की। मकर राशि वालों, आज का जो दिन है ना वो आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, इसलिए आज फाइनेंशियल कंडीशन अनुकूल बनी रहेगी। हालांकि अभी भी स्थिरता आने में थोड़ा और समय लग सकता है, लेकिन आज बेहतरी भरा दिन है। आज आपको कहीं बाहर घूमने जाने का, आउटिंग पर जाने का प्रोग्राम जो है वो कैंसिल करना पड़ सकता है। किसी के प्रति अपनी राय को अपने तक ही सीमित रखें, किसी और पर यह जाहिर ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने जो किसी व्यक्ति के लिए राय बना ली हो वो ठीक ना हो। आपके ऊपर कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, ऐसी संभावना नजर आ रही है। इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें अपनी सफलता के लिए, सक्सेस अचीव करने के लिए किसी एक्सपीरियंस या किसी एक्स स्टूडेंट की सलाह लेनी पड़ सकती है। एक काम जरूर करें, आज के दिन किसी ब्राह्मण को खीर खिलाएं, इससे क्या होगा आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी मानसिक स्थिति और ओवरऑल स्थिति सुदृढ़ होगी। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, अपने आज का दिन जो है ना अपने जीवन साथी को देने का भी है, टाइम देकर निकालने का दिन है, तो शाम के समय आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ किसी फिल्म में, किसी थिएटर में, किसी रेस्टोरेंट में जरूर बिताएं। ये आपको सुकून देगा और आपका मन जो है वो तरोताजा रखेगा। सितारे ऐसा इंडिकेशन देते हैं कि आपके पास अचानक से धन आ सकता है जो आपके खर्चों को और आपके बिल्स को बैलेंस कर देगा। आज किसी रिलीजियस प्लेस पे या किसी संबंधी के यहां आपके जाने की संभावना है। आपके लव मेट का, आपके लवी डवी का इम्बैलेंस सा मिजाज आपको कुछ परेशानी में डाल सकता है। वो आज आपको कुछ भरा बुला भी कह सकती हैं, बुरा मत मानिए इसका। आज के दिन सेमिनार और गोष्ठियों में आप हिस्सा लेकर कई नई चीजों पर विचार कर सकते हैं और कई नए विचार, कई नए थॉट्स और बहुत सारी नई चीजें सीख सकते हैं। आज कहीं ना कहीं दिन भर आपके मन में थोड़ा बहुत तनाव रह सकता है, तो तनाव से भरा दिन जब नजदीकी लोगों से कई मतभेद करा सकता है, इसलिए आपको शांत रहना है और ये मतभेद आगे भी उभर सकते हैं। आपके जीवन साथी का व्यवहार आज आत्म केंद्रित यानी कि सेल्फ सेंटर्ड रह सकता है और ये चीज आपको नागवार गुजर सकती है। आप बैठें और डिस्कस करें। तो चलिए बात करते हैं आज के आपके शुभाशुभ की। आज के लिए आपका शुभ अंक रहेगा 5, शुभ रंग रहेगा हरा, शुभ दिशा रहेगी उत्तर और शुभ समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर सुबह 9 बजे तक का। और उपाय के तौर पर क्या करें आप, आज ऋषि मंडल पर 7 अगरबत्तियां जलाकर धूप करें।